बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी दुआओं से फिट हूँ। तो आज जो है आपको पता है मेहमान आए थे, ये ऐशा नूर दिखाओ अपना मुँह, इसका नाम भी ऐशा नूर है। तो मैं तो आता ही रहता हूँ नहर पर, तो मैंने सोचा आज बच्चों को भी ये खैर जिद कर रहे थे कि हमने झूला लेना है बाइक पर, तो मैंने कहा चले झूला भी हो जाएगा और इन्हें नहर भी दिखा के ले जाते हैं। तो मारना आगे चलो, आगे चलो, चलो चलो चलो, मारना डरता आगे जगह। छोड़ दो, छोड़ देते, छोड़ दो। वो कह रहा है मुझे वापस ले चलो। हंस रहे अब गधे कहेंगे। छोड़ दे, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। आ जाओ एक एक करके, आ जाओ देख लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं इधर हूँ, आ जाओ। अच्छा के मट्टी है ना। चलो 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 वापस चलें, चले चले आ जाएं, सब लोग आ जाएं जल्दी जल्दी। यहाँ पर वैसे तो भैंसे नहलाते हैं, ये इसलिए उन्होंने बनाया है ये सारा, ताकि यहाँ से आसानी से ना वो अंदर चली जाएं और ये जो नहर है ना ये टूटे नहीं। ये देखें पसीने से क्या हाल हो गया है। आज तीन चार दिन बाद मेरे ख्याल में पानी आया था सुबह सुबह और ये लाइट चली गई है। ये तीन चार दिन बाद पानी आया तो लाइट चली गई है, पानी भी फिर दोबारा चला गया और लाइट भी गई चली है। मुदस्सर के पापा की दवाई लेने आए हैं। यहाँ पर ये फलूदा पॉइंट है बाबा जी, स्पेशल फलूदा तो अच्छा होता था, फिर हम यहाँ पर आ गए खाने के लिए। अभी शहर आए थे, ये साथ में जो है बना हुआ है। चलो ठीक ले लो यार। कसूर रोड, ये कसूर रोड है, देखें जैसे देख रहे हैं आप। ये सब्जी वाली मंडी है, यहाँ देख रहे हैं सब्जी वाली, ये है सब्जी वाली मंडी, सब्जी वाली मंडी, ये सब्जी वाली मंडी है। नहर पर यहाँ पर रुके हैं मुदस्सर को, मैंने थोड़ा सा जो है वो बाइक पर बिठा कर आज सिखाना था ना, ना। ये इसके पापा की दवाई पता नहीं किसके लिए, लेकिन उसी ने बनवाई है, किस मसला क्या ये नहीं मुझे पता, पूछेंगे जाकर। ये शहर से लेकर ये फलूदा खाया और अब ये इसकी ये फेवरेट है लेज, आपको पता ही है ये खाने से बाहर तो आता नहीं, इसलिए तो ये देखें तोंद निकली हुई आगे। ये जी बहुत डर रहा था, बैठा तो दिया मैंने, अल्लाह खैर करे, बिस्मिल्लाह पढ़ के मुदस्सर मियाँ को लेके जा रहा, मैंने कहा स्लो स्लो लेकर चलो, जब पूरी तरह ट्रेन हो जाओगे तो फिर इसे थोड़े के भगाने की इजाज़त देंगे, अभी तो फिलहाल सिर्फ इसे इतनी स्पीड की इजाज़त है। कह रहा मैं वैसे आपको उस्ताद मार रहा हूँ, मैंने बैठना नहीं है, दो दो थोड़ी सी रेस दे लो, बंद ना हो ऐसे। ये मुदस्सर की आज ज़िंदगी की पहली ड्राइव है, तो मैंने सोचा यार ये तो कैप्चर करना बनता ही बनता है, ताकि मुदस्सर को हमारे चैनल पर दोबारा दिखाएंगे कि यार ये देखो जब तुमने पहली बार बाइक चलाई थी। जी आए आ गए शहर से, बाइक चलाई है मुदस्सर ने, तो यकीन तो नहीं था मुझे कि ये चला लेगा, लेकिन फिर भी चलाई है उसने। बाहर हवा है यार, थोड़ा सा बाहर खड़े होते हैं, तो चलाई है उसने, ठीक चला ली है। मैंने जल्दी वीडियो बंद कर दी थी, मैंने सोचा कहीं गिरा ना दे, तो लेकिन माशाल्लाह फोर्थ गियर में लेकर आया। पुल पर आकर थोड़ा सा मसला हुआ, वो कह रहा था रुकना है कैसे, मैंने कहा जल्दी क्लच दबाओ, गियर निकालो, रेस कम करो, ब्रेक लगाओ, इतने में वो बाइक ही बंद हो गई। तो खैर बच तो गए थे, आराम से रुक गई थी बाइक, तो गए थे। तो फिर वहाँ पर मुदस्सर ने, मैंने कहा था मुदस्सर को कॉफ़ी पीते हैं, तो उसने कहा नहीं,
क्योंकि वो होटल ज़रा थोड़ा सा बड़ा था और हमारे कपड़े भी ऐसे थे और जो बाइक थी वो भी इसके पापा वाली थी, तो वो शर्मा गया, कहता नहीं मैंने नहीं जाना। तो मैंने सोचा घर में ही चलो ले जाते हैं पीते हैं। वैसे मैंने कभी कॉफ़ी नहीं बनाई, मेरा भी मैं भी ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ और देखते हैं। मैंने पी भी नहीं है कभी, सच बताऊँ मैं, इसलिए मैंने उसे कहा था चलो पीने चलते हैं, लेकिन वो माना नहीं तो हम खैर गए ही नहीं। तो घर में ले आए हैं, तो लेनी तो मैंने दूसरी थी 3-in-1, लेकिन वो मिली नहीं, तो ये साशे वाली मिली है। अभी दो पड़े हुए हैं, मदरसा आएगा तो उसे देंगे फिर, लेकिन अभी मैं अपने लिए बना कर देखने लगा हूँ कि कैसे बनती है। और तो दूध ऊपर रखा हुआ मैंने, आज आपको देसी चूल्हे पर दिखाते हैं इसकी। अभी दूध उबला नहीं है क्योंकि चूल्हा अभी गर्म था, मैंने आग नहीं इसलिए जलाई काफ़ी, और ऊपर से गर्मी भी इतनी है, ये अभी भी धुएँ नहीं कर रहे हैं इसमें से। और दूध भी जो है पहले से गर्म हुआ था तो मैंने ऊपर रख दिया, मैंने कहा चलो अच्छी तरह से गर्म हो जाता है, तब तक हम ये बनाते हैं इसे नेस्कैफे। जी तो पहले हम लेंगे इसमें पानी, क्योंकि चीनी तो वैसे हल होनी नहीं है। फिर दो स्पून ले लेते हैं, थोड़ी सी ऊपर ले लेते हैं क्योंकि मैं पीता हूँ मिठाई। और ये कॉफ़ी ये इसमें डालते हैं, ये इसे खोल के अब इसमें डालते हैं। ये कॉफ़ी पाउडर, अब इसे मिक्स कर लेते हैं हम अच्छी तरह से। जी मिक्स कर लिया मैंने सारा, इस तरह से कुछ बन गया ये पेस्ट सा। अभी दूध गर्म हो रहा है तो दूध जो उबल जाएगा तो फिर मैं इसमें दूध डालता हूँ। जी दूध तो उबल गया और अब इसे डालकर चेक करते हैं। मैंने सोचा कमरे में आकर बनाते हैं, अल्लाह का शुक्र है लाइट आ गई है। जी इसमें दूध डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैर, पहली दफ़ा बना रहा हूँ, मेरे ख्याल में इतने काफ़ी है। जी ऐसी होती है, ठीक है बिल्कुल। अभी टेस्ट करते हैं, अभी पहले इसे थोड़ा सा मैं देख लूँ। जी ठीक है, चाय जैसी बन गई है। जी फाइनली टेस्ट करने लगा हूँ मैं, इसमें गरम है, गरम है थोड़ी सी। अंधा के बाद मैं ये कॉफ़ी ना लेकर ही आऊँगा, अच्छी है। और वैसे भी खालस दूध में बनी है तो ज़्यादा अच्छी, लेकिन एक बार थोड़ी सी कड़वी है, ये होती है ऐसे मेरे ख्याल में, लेकिन टेस्ट वगैरह बिल्कुल अच्छा है। और चाय से मिलती जुलती है, मुझे लगता है चाय की बहन ही है ये, बड़ी बहन होगी ये, छोटी होगी ये नहीं पता, लेकिन है अच्छी, पी लेंगे कोई बात नहीं, दूसरे लोगों का भी बना कर पियेंगे। जी अभी मैंने घर वालों को भी कॉफ़ी पिलाई है, उनका जो है रिएक्शन चेक किया है, तो जो मेरे घर के लोग हैं, नानी भी आई हुई है मेरी, तो उन्होंने तो कहा ठीक है, तो वो भी मुझे एक वोट अच्छा मिला है। बस मेरी जो माँ जी हैं उन्होंने मुझे ज़्यादा रिस्पांस अच्छा नहीं दिया, वो कह रही है पता नहीं क्या बना कर ले है, कड़वा सा अस्तातीन हो जैसे, लेकिन वो पहला घूंट भरते हैं जब तो ऐसे ही लगता है कड़वा, उसके बाद जो है वो सही लगती है चाय जैसी। तो बाकी ओवरऑल मुझे रिएक्शन ठीक मिला है, मुझे 10 में से 7% रेटिंग मिली है कॉफ़ी बनाने की, जो कि मैंने पहली बार बनाई है। अभी बड़े भाई तो नहीं है, लेकिन वो तो पीते रहते हैं तो फिर उन्हें असल आइडिया होता है, तो जब वो आएंगे तो फिर मैं बनाऊंगा तो उन्हें चेक करवाऊंगा कि मुझे कितने मार्क्स मिलते हैं 10 में से।
जी मैंने सोचा सुबह का नज़ारा तो आप देखते रहते हैं, आज आपको शाम का भी दिखा देते हैं। ये देखें चिड़ियाँ खेल रही हैं कैसे, ये इस तरफ से जाती हैं उस तरफ से निकलती हैं, फिर यहाँ से जाती हैं, देखें ये पुल के नीचे से और बैठी हुई हैं। ये देखें ये खौफनाक भी लगता है और मज़े का भी लगता है। यहाँ से देखें पानी कितनी स्पीड से जा रहा है, ऐसे देखने में लगता है कि पानी तो बिल्कुल ही स्लो है, लेकिन ऐसे देखने से डर लगता है। यहाँ से खड़े हुए भैंसें आ गई हैं अभी नहाने के लिए रात के। ये देखें जी मैं चलता हूँ फिर, मेहमानों के साथ आया था और मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, तो वो जा रहे हैं तो फिर मैं भी चलता हूँ।